अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ नवाज़ खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवाज़ खान व्लॉग। सो गाइज, आज है 18 तारीख और आज है 26वां रोज़ा। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 7-8 दिनों से मेरा कोई व्लॉग नहीं आ पाया है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है गाइज़ कि मेरे पास टाइम ही नहीं मिल पाता है कि मैं व्लॉग बनाऊँ। जब संडे मुझे टाइम मिलता था तो मैं व्लॉग बनाता था, और एक दो व्लॉग जो भी बना है इस रमज़ान में, 2-3 व्लॉग, वो संडे में ही मैंने बनाया है, क्योंकि इस टाइम में काम नहीं रहता था, मैं फ्री रहता था तो मैं बना लेता था। तो जैसा भी है, आज मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मैं जा रहा हूं अपने गांव, अपने घर। अभी रात में 8 बजे की मेरी फ़्लाइट है, लेकिन बज रहे हैं अभी 11, अभी मुझे जाना है बाहर। लेकिन धूप इतनी गजब की, इतनी ख़तरनाक है कि हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं कर रही है बाहर जाने की, लेकिन टाइम कम है, मुझे जाना ही पड़ेगा। और फिर वहीं से मैं फिनिक्स मॉल जाऊँगा, और उसके बाद वहीं से फिर मैं सीधा एयरपोर्ट चला जाऊँगा, फिर मिलूँगा आप लोगों से एयरपोर्ट पर। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है गाइज़ कि जो लोग भी अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई साहब, ये इतनी ख़तरनाक सीढ़ी, ये नीचे उतरना है, गिरेगा तो कोई बचेगा नहीं यहाँ से। देख रहे हैं भाई साहब कितनी खतरनाक वाली है। ये भी सही है, मैं आ गया हूँ एयरपोर्ट पर, और ट्रैफिक की डर की वजह से थोड़ा मैं 2 घंटे पहले यहाँ पर आ गया हूँ। लेकिन धूप इतनी ज़्यादा है गाइस कि मैं पूरा दिन आज दौड़ता रह गया था, और रात में सोया भी नहीं था, जिसकी वजह से आज रोज़ा मुझे बहुत ज़्यादा लग चुका है। इतने पूरे महीने में रमज़ान में ये मेरा फर्स्ट रोज़ा ऐसा है जो मुझे इतनी ज़्यादा भूख और प्यास महसूस हुई है। तो जैसे अभी 3 घंटे अभी और बचा है, देखते हैं अभी 3 घंटे में अंदर जब तक आराम करते हैं, जब इफ्तार का टाइम होगा तो इफ्तार हम लोग करेंगे। और ये मेरे पीछे का व्यू है बाहर का, एयरपोर्ट का। तो अंदर का एक्सपीरियंस क्या होता है वो आप लोगों को इस ब्लॉग में आगे दिखाऊंगा मैं, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा।
आदत हो। अभी एयरपोर्ट के अंदर हूँ, मैं जा रहा हूँ फ्लाइट के अंदर। लेकिन यार एक प्रॉब्लम हो गई थी, चेक इन के टाइम पे कुछ इशू हो गया था जिसकी वजह से आधे घंटे तक हम लोगों को रोक दिया था। तो 7:30 बजे जाकर मैंने रोज़ा खोला, जो 7 बजे की टाइमिंग थी रोज़ा खोलने की, आधे घंटे के बाद मैंने रोज़ा खोला। जो जो